सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो है चैलेंज है ऑनियन ड्रॉ करना। तो इसको हम ड्राइंग कर रहे हैं मैकेनिकल पेंसिल से, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर डिटेलिंग का काम है, इसलिए मैकेनिकल पेंसिल का मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आउटलाइन को हम थोड़ा ज़्यादा डीप बना रहे हैं, क्योंकि उसका जो आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर उसका जो पेटल्स को बनाने के लिए थोड़ा डीप करके मैकेनिकल पेंसिल को दे रहा हूँ। और इसका जो ऊपर वाला हेयरी पार्ट है उसको भी मैंने मैकेनिकल पेंसिल से पहले से ड्रॉ करके रखा था, आप जो आउटलाइन में देख सकते हैं। पेटल्स के लिए मैं थोड़ा थोड़ा शेडिंग का भी यूज़ कर रहा हूँ उस मैकेनिकल पेंसिल से ही, थोड़ा 3D लगे, जैसे थोड़ा रियलिस्टिक लगे। ये मेरा पहला पेंसिल से ड्रॉ करना वीडियो है, तो थोड़ा सपोर्ट करना और लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा लगे तो शेयर करना। और आपका भी अगर कुछ डेयर चैलेंजेस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। होममेड ब्लेंडिंग स्टोन का यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे होममेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं दुकान से। तो मैं होममेड ब्लेंडिंग स्टोन का वीडियो भी आगे आना वाला है यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब करके रखना कि आप तभी उस वीडियो को देख सकें। यहाँ पर नॉर्मल HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसके जो शेडो दिखाने के लिए, और ब्लेंडिंग स्टोन के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पर मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी वो भी हैंडमेड है, तो उसका भी वीडियो आना वाला है उस ब्लेंडिंग स्टेप के वीडियो के बाद, तो आप उसको भी देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में आने वाला है। इरेजर से उसका थोड़ा जो इसको अंदर का पेटल से उसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर रहा था कि लुक अच्छा लगे, और लास्ट में यहाँ पर मेरा साइन भी दे रहा हूँ, थोड़ा लगे कि प्रोफेशनल्स की तरह। तो कैसा है ये वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।